कि इसकी लाइट जलने लगी है। ब्लॉग्स तो आज हम जा रहे हैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव और एक तरीके से मान लीजिए हिडन फीचर्स के बारे में जानने के लिए अपने ह्यूंडई वेन्यू का। एक तरीके से मान लीजिए वो एक हिडन फीचर है जो कि वेन्यू की ब्रोशर में भी आपको नहीं मिलेगा, ना ही आपको, आप जब एजेंसी में जाओगे वहाँ के एग्जीक्यूटिव भी आपको नहीं बता पाएंगे कि ऐसा भी है अपने ह्यूंडई वेन्यू में। सो गाइस, जो फीचर्स है वो बहुत ही प्रीमियम फील कराते हैं। मैं आपको बताऊंगा तब आपको पता चलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू तो करते गाइस, जो हैं। पहला फीचर था वो था गाड़ी के अनलॉक की के बारे में। जो जो अनोइंग आवाज़ आती है, एक्चुअली वो शुरू में सबको बहुत अच्छा लगता, मुझे भी अच्छा लगता था, बट एज द टाइम जैसे जैसे टाइम चेंज होता तो आपको फीचर थोड़ी सी अनोइंग फील होता, क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ है एंड एक्चुअली धूप बहुत ज़्यादा है। एज यू कैन सी, ये पीछे ग्रीनरी आप देख सकते हो। तो उसको जो इसकी जो उसकी आवाज़ है गाइस, उसको बंद करने के लिए जो फीचर है उसके लिए अपन को कुछ नहीं करना। गाइस, जो गाड़ी का इंडिकेटर है वो करीब 4 बार या 3 बार ब्लिंक होगा, उसके बाद आपकी जो गाड़ी की आवाज़ है वो बंद हो जाएगी। तो अभी देखते हैं अपन। अभी जैसा आप देख सकते हो गाड़ी में आवाज़ आ रही है एंड अभी अपन लॉक किए और ये दोनों कैसे दबाऊं। तो जैसे कि गाइस आप देख सकते हो, अभी अपन इसमें अनलॉक की दबाएंगे, आवाज़ नहीं आई है, और लॉक की दबाएंगे तो भी आवाज़ नहीं आई है। तो अभी इसको अपन क्या करेंगे, दोनों साथ में दबाएंगे, करीब 10 सेकंड तक दबाएंगे। तो गाइस जैसे कि लाइट ब्लिंक हुई है एंड अब आप देखिएगा ये अनलॉक की और ये लॉक की। तो जिसको भी पसंद है इसकी आवाज़ तो वो इसको चालू रख सकता है, जिसको नहीं पसंद, जिसको अनोइंग लगती है मेरी तरह, तो वो इसे बंद कर सकता है। जो मैं सेकंड फीचर की बात कर रहा था वो है फॉलो मी होम हेडलैम्प्स। तो अभी एक्चुअली आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये अपनी गाड़ी खड़ी है एंड जब हम इसको अनलॉक करेंगे तो आप देख सकते हो कि इसकी लाइट जलने लगी है। तो अंधेरे में एक्चुअली ये बहुत ही काम आता है, बहुत ही प्रीमियम फील होता है। और इसको सेट करने का जो तरीका है गाइस मैं बताऊंगा। तो चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो ये हेडलैम्प का जो स्विच है, इसको हमें हमेशा ऑन पे रखना पड़ेगा, ना यहाँ पे, ना ऑटो पे, ना ऑफ पे। ओके, तो हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, जब भी आप कहीं से आप आओगे एंड गाड़ी स्टॉप करोगे तब तो ठीक है, लेकिन जब आप उसको अनलॉक करोगे तो उसकी लाइट ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर ले, ऑटोमेटिक जलने लगेगी। तो ये काफ़ी प्रीमियम फील होता है। मान लीजिए कभी कहीं अंधेरे पे आप खड़े की ये हो गाड़ी एंड आप जाते हो तो अनलॉक करते हो अपने, ऑटोमेटिक वहाँ पे पूरी लाइट जल जाएगी। तो ये बहुत ही एक प्रीमियम फील है, प्रीमियम फीचर है। और वन मोर थिंग गाइस, अगर आप इसको मतलब खड़ी गाड़ी पर ट्राई करते हो तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप ड्राइव करके आ रहे हो फिर उसको आप सेट कर रहे हो तब जाके वो सेट होगा, कि फिर आप मेरे को बोलो कि नहीं सुमित भाई ऐसा बता रहे हैं, वैसा बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। तो आप ये ट्राई करके देख लेना गाइस। तो अभी मैं दिखाता हूँ, अभी अपनी गाड़ी यहाँ मतलब कि इसका जो स्विच है यहाँ पे है एंड अपन चलते हैं बाहर। अभी अपन बाहर आ गए हैं गाइस। तो आप देख सकते हो इसकी लाइट ऑटोमेटिक जल रही है और ये हम लॉक कर दिए एंड लाइट बंद हो गई। और आप जब इसको अनलॉक करोगे इसकी लाइट ऑटोमेटिक जलने लगेगी और करीब 10 सेकंड बाद ये अपने आप बंद भी हो जाएगी। तो देखते हैं। सर आप जैसे ये देखिए, जैसे अब ये बंद होगी। एंड गाइस वन मोर थिंग, आपको ये लोकेशन कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। एंड गाइस होप करता हूँ कि आपकी वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। आप लोग देखते ज़रूर हो बट वो सब्सक्राइब की जो लाल वाली बटन है वो नहीं दबाते। प्लीज़ मेक श्योर टू स्मैश दैट रेड कलर बटन नॉन एज सब्सक्राइब। तो ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे सेफ।